यहाँ के मीठी नदी के ब्रिज पे, जहाँ आप देख सकते हैं मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही की वजह से यहाँ पे कितने खड्डे हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो खड्डों के नज़ारे। आप देख सकते हो इसमें से जब गाड़ियाँ जाती है तो गाड़ियों का क्या हाल होता है। ये मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही की वजह से हो रहा है और इसके जिम्मेदार मुंबई महानगर पालिका है या कौन और है। आइए जानते हैं इन जनता से कि इसके बारे में इन जनता की राय क्या है, आपकी राय क्या है ये खड्डों के बारे में। जो बाइक वाले स्लिप होते हैं, लाइट भी बंद है, लाइट भी बंद है, फुल लाइट बंद है, यहाँ की खड्डा है, रोड पे कचरा है, यहाँ पे डालते हैं तब यहाँ एक आध एक्सीडेंट डेली होते हैं। तो डेली का यहाँ पे एक आध एक्सीडेंट होता है तो उसका यदि खबर किसको जाती है? कोई नहीं, कुछ नहीं, हम लोग ही उठाते हैं, साइड कर देते हैं, बस यही है, वो अपना दवा कराते जाएंगे, कोई एक्शन ही नहीं आगे कोई। और इसके बारे में आप किसको दोषी ठहराना चाहेंगे? अरे और कौन है सर, इनको दिखता नहीं है, रोड के ऊपर कचरा खुले आम डालते हैं, रात में होटलों के कचरे लाके गिरा रहे हैं, पूरा वही कचरा आता है, स्लिप होती है, गाड़ियाँ गिरते हैं सब। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे बहुत कचरा भी मौजूद है, आप दिखा दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कचरा भी बहुत मौजूद है। जैसे कि जनता ने हमें बताया कि कचरा सब होटल वगैरह से आता है और यहीं पर रोड पे डाल दिए जाते हैं और ये खड्डों की वजह से रोज एक नवे एक्सीडेंट की यहाँ पे घटना होती है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे गाड़ी इसमें से जाती है तो गाड़ियों के हाल देखिए, आप देखिए, आप रिक्शा का हाल देखिए सिर्फ अभी। अब देख जनता क्या चाहती है इससे, जनता ने हमें बताया जैसे यहाँ पे हर एक एक्सीडेंट होता है। देखिए आप गाड़ियों के हाल देखिए, आज हम निकले हैं मुंबई के कुर्ला इलाके का सर्वे करने, जहां आप देख सकते हैं कि कुर्ला में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे खड्डे हैं, तो उसके वजह से हम यहां निकले हैं और अब हम मौजूद हैं कुर्ला के CST रोड वाले इलाके में, जहां बहुत सारी दुकानें हैं हर एक पार्ट्स की, कार के और अपने बाइक के पार्ट्स की। आप वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, आप देखिए वहाँ पे देखिए यहाँ पे आप कितने बड़े बड़े यहाँ पे खड्डे हैं। जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पानी भरता है और पानी सब दुकानों में भी उठता है और साथ ही आप देख सकते हैं ब्रिज के नीचे का कचरा, आप देखिए वहाँ पे आपके ब्रिज के नीचे का आप कचरा देख सकते हैं, BMC की लापरवाही देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए आप BMC की लापरवाही किस तरह से यहाँ पे लापरवाही हो रही है कुर्ला इलाके में, देखिए ना इसमें कोई एक्शन लिया जा रहा है ना कुछ काम हो रहा है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से उनका क्या कहना है इसके। यहाँ पे हम लोग दुकान वाले लोग हैं, दिन रात बैठे रहते हैं, कोई भी गाड़ी जाती है आती है, ये सब हम लोगों का कीचड़ होता है, नमाज के नहीं जा सकते, इतना कीचड़ होता है कि हम चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता है, पूरा साफ करना चाहिए कि बीमारी हो रही है, कितने आदमी लोग बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं सब, गटर भी पूरी जाम, गटर पूरी भरे ली है, यहाँ पे इतना था पानी भर जाता है, बारिश आता है गड्ढे भरा पूरे, BMC गाड़ी टैक्स ले रही है और कुछ काम नहीं कर रही है, किचड़ खान देखो सामने किचड़ तो देखो उसको। जैसा कि आपने यहाँ की जनता से सुना कि उनको क्या तकलीफ है, इन गड्ढों से कितनी तकलीफें हो रही है, BMC की लापरवाही की वजह से कोई भी गड्ढे भरे नहीं जा रहे हैं। CST रोड पे हम आगे आए हैं, आगे का भी आप देख सकते हैं हाल, यहाँ पे देखिए आप बहुत बड़ा खड्डा है, यहाँ पे भी CST रोड पे ही है जहाँ से हमने पिछला इंटरव्यू लिया, कि आगे का हाल देखिए, यहाँ पे रिक्शा यहाँ से जा रही है, उतना सी रोड है उसके बीच में इतना बड़ा खड्डा है, BMC की लापरवाही है, किसकी लापरवाही है, ये सरकार की लापरवाही है। जनता ने जैसे बताया कि उनको इतनी तकलीफें हो रही है इसकी वजह से, फिर भी ये खड्डे नहीं भर रहे, आप देख सकते हो अभी, देखिए इतना सी रोड है उसके बीच में इतना बड़ा खड्डा। अभी हम यहाँ मौजूद हैं फौजी हॉस्पिटल के आगे बैल बाजार वाले रास्ते पे, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि BMC की लापरवाही, मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही देख सकते हैं आप, रास्तों पे खड्डे देखिए, यहाँ पे एक बस एक ट्रक साथ में पास हो रही है, उनको जगह नहीं है ना ही उसके बीच में, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं देख सकते हो आप गौर से। यहाँ की जनता इसकी वजह से परेशान है, यहाँ की देख सकते हो आप आजू बाजू में सब जगह पे दुकानें हैं और यहाँ पे रहने वाले हैं। आइए आप जनता से जानते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे रिक्शा जैसा पास होती है तो रिक्शा का हाल क्या होता है, बाइक का हाल क्या होता है, अगर
अगर यही हाल चलता रहा तो बारिश में यहाँ के रोड नहीं बचेंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसा हम जानते हैं यहाँ से जनता से कि यहाँ का हाल क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? यहाँ ये रोज बनाते हैं और रोज खड्डा हो जाता है, तो यहाँ पे रोज काम हो रहा है और रोज खड्डा हो जाता है, रोज बनाते हैं और रोज खड्डा हो जाता है। बनाते ऐसा नहीं बनाते, पर बना के जाते और फिर बारिश गिरती है तो फिर खड्डा हो जाता है। तो यानी आपका कहना है कि यहाँ पे सही काम नहीं हो पा रहा है जैसा काम होना चाहिए, जिससे कॉन्ट्रेक्टर का प्रॉब्लम होएगा, इधर जो काम कर रहा हूँ सही काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे तकलीफें क्या हो रही है? तकलीफ बाइक में कितने जन गिर जा रहे हैं, उस दिन एक बाटले का गाड़ी रिक्शा पलट जाता था, हम लोग अगर नहीं बचाते तो उसको पूरा गाड़ी बाटले का पलट जाता था, गैस सिलेंडर का बाटला। तो गैस सिलेंडर का बाटला पलटने वाला था, मैं चला गया था गाड़ी, पूरा गाड़ी ऐसा हो गया था, फट से आटे चने जाते गाड़ी पकड़ ली उस साइड से, पूरा पलटी हो जाता था। और आप अपने इसके सरकार से आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे खड्डों के बारे में? सरकार के खड्डे के बारे में बोलेंगे कि सरकार अच्छा रोड का काम करा कि हमको तकलीफ ना हो, पब्लिक बाइक वाले उसे लेडीज और एक जेंट्स जा रहा था गिर गए खड्डे में, सीधा गिर गए लेडीज पानी के। जैसे कि हमने जाना यहाँ की जनता से भी उन्हें कितनी परेशानी है, और इस समय हम आए हैं अभी कुर्ला ईस्ट के इलाके में जहाँ पे रिक्शा स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड पर यहाँ से बस भी पास होती है, तो वहाँ आप देख सकते हो वहाँ कितने बड़े खड्डे हैं, यहाँ आप दिखा सकते हो, यहाँ पे खड्डे देखिए, रिक्शा स्टैंड के पास है ये। हम जैसे ही इसमें से रिक्शा पास होती है तो रिक्शा की हालत बुरी हो जाती है, जैसे कि सरकार ने रोक लगाई है सीट बेल्ट ना पहनने पे, हेलमेट ना पहनने पे फाइन है, लेकिन इन खड्डों का फाइन किस पे होगा? खड्डों का फाइन किस पे आएगा? यानी सरकार पे आएगा, MLA पे आएगा, BMC पे आएगा, किस पे आएगा? ये जानने के लिए यानी हम आए हैं कुर्ला ईस्ट के इलाके में भी, यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे सारे खड्डे, आगे भी बहुत खड्डे हैं इसके। हम अभी रिक्शा स्टैंड के थोड़ा आगे आए हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ भी बहुत बड़ा सी खड्डा है, और ये खड्डा पिछले वाले से भी ज़्यादा बड़ा है, इसमें से किसी की भी हादसे हो सकते हैं, किसी की भी मौत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन सरकार इसका नगर पालिका या कोई भी MLA कुछ नहीं कर रहा है इसके बारे में। आप देख सकते हो खड्डा। आज हम यही सर्वे करने निकले कि कुर्ला के इलाके में कितने खड्डे हैं। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ मैं जैद सिद्दीकी, सर्विलेंस मुंबई।